अब मेरे भाइयों, आज की वीडियो का सीन कुछ ऐसा रहता है कि आज कतई ही गर्मा गर्म लॉबी आ चुकी थी, तगड़ी लॉबी। और इसमें पोचिंकी में जो डोमिनेशन दिखने वाला ना तुम्हें, ओनली पोचिंकी में हमारे 28 किल्स होने वाले। अब जो क्लचेस इसमें तुम्हें देखने को मिलने वाले ना, उसको देख के अगर लाइक एंड कमेंट नहीं कराना, कैसा लगा बताना मत भूलना। और जस्ट एक बार ना तुम इस वीडियो को एंजॉय करो। पोचिंकी का एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेगा और कैसे पोचिंकी को डोमिनेट करा जाता है ना, वो भी तुम्हें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमारी लैंडिंग हो चुकी होती है पोचिंकी, और जस्ट मैं यहाँ पे लूट वगैरह ही कर रहा होता हूँ, बट ऊपर एक बंदा कैंप कर रहा होता है। ऊपर जाके सबसे पहले तो इसको मार देता हूँ और जस्ट थोड़ी बहुत लूट करता हूँ, बट अब देखो कि आगे अभी क्या होने वाला है। जस्ट यहां से जैसे ही आगे जाता हूँ, तभी इस घर में ऊपर एक बंदा कैंप कर रहा है। मेरे नेट डालते ही, जैसे मैं नेट डालता हूँ, वो बंदा बाहर कूद जाता है। ये फाइट मैं चोक करते करते निकाल ही लेता हूँ, क्योंकि इस फाइट में ना मैंने बहुत ही गलत एम चोक करा था और इस पर लेवल 3 का हेलमेट था। बट इधर आते ही सबसे पहले इस बंदे को नॉक करता हूँ और अब ब्लाइंड रश मारता हूँ, लेकिन अभी ओपन में एक और बंदा दिखता है और देखो ये कहाँ ही जा रहा था। इसको नॉक एंड फिनिश करते फटाफट से टिप्स एंड ट्रिक्स लगाता हूँ और डायरेक्ट यहाँ से सामने। ये बंदा तो भाई यहीं पे बैठ कर रैव कर रहा था, बट ये स्क्वाड यहाँ पे ऑल डेड हो जाती है। बट आगे 5 हाउसेस में कुछ बंदे रहते हैं। यहाँ पे एक मॉली कर देता हूँ और अब दूसरी मॉली। एक बंदे का नॉक होते ही दूसरी मॉली में यहाँ से डालता हूँ। ये बंदा भी मॉली से जल चुका है और ये भी आगे जाके नॉक हो ही जाता है। चुप रहे यार, मैं कह रहा था यार। जस्ट मैं यहाँ पे लूट ही कर रहा था कि तभी एक और बंदा रस करता है। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना, और जो भी बंदे न्यू है एक सब्सक्राइब मार देना। बट मेन गेम प्ले तो अभी आने वाला है। इनको मारने के बाद बेसिकली इधर से अपन निकल जाते हैं, बट तभी सामने हमारी फाइट हो जाती है एक और स्क्वाड से। दो बंदों को नॉक करते हैं, फटाफट से आगे जाता हूं। तीन बंदे यहाँ पे नॉक हो चुके थे। अब बारी आती है तुम्हारे भाई के कमाल के नेट की, और नेट जाएगा तो तुम्हें पता ही है कि क्या होने वाला है। यहाँ पे ये स्क्वाड ऑल डेड हो जाती है। बेसिकली इसके चारों बंदे डाउन थे, मैं जैसे अंदर जाता हूँ तभी और बंदे। यहाँ पे तो मैं बस किस्मत के सारे बचता हूँ। अभी देखो तुम एक बार, बंदा सामने जाके लूट रहा है भाई। ये वाला सीन कैसा लग रहा है ना, बस कमेंट कर दो। बट इनको तो यहाँ पे हमने मार दिया था और ये इजी डेड भी हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन अब आगे जो होने वाला है ना, वो तो कतई अनएक्सपेक्टेड था। जस्ट सामने ब्रोकन वॉल पे एक बंदा रहता है और मैं करता हूँ रस। मुझे ना ये नहीं पता था कि ये बंदा जो कि इस साइड है, इसीलिए बंदा मुझे इतना सारा डैमेज दे देता है। बट अब मैं बस यहाँ पे हील वगैरह कर लेता हूँ और अब आगे। सामने एक बंदे को मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया था। अब मैं यहाँ से मॉली करके फटाफट से रस करता हूँ और मॉली लग के लिए सामने वाले बंदे को लग भी जाती है।
इनको मारने के बाद अनफॉर्चुनेटली ये गेम यहाँ पे खत्म हो जाता है। बट अब चलते हैं दूसरे गेम की तरफ जिसमें भी पोचिंग की मैं गलत लेवल का डोमिनेट किया है। यहाँ पे जैसे आता हूँ मैं पोचिंग की मैं, तभी अंदर कुछ बंदे रहते हैं। इस बंदे को नॉक एंड फिनिश करने के बाद जस्ट मैं यहाँ से आगे आता हूँ और अब इधर देखो क्या होने वाला है। अभी बस मैं ऊपर जा रहा था तभी मुझे सामने वाले घर में बंदे दिखता है। अब बारी आती है कमाल के नेड की। इस नेट से एक बंदा फिनिश हो जाता है और दो बंदे नॉक हो जाते हैं। अब मैं अंधा रस मार देता हूं ऊपर। भाई बंदा तो यहाँ पे रैव कर रहा था बट कोई नहीं, इनको मारने के बाद जस्ट यहाँ पे M4 वगैरह उठाता हूँ और मेरे टीममेट के ऊपर कुछ बंदे रहते हैं इसलिए वो लगातार बुलाया जा रहा था। बट मैं हरामी, मैं यहाँ पे क्रेट लूटने में बिजी था। अभी ना तुम्हें एक और शानदार सा 1v4 दिखाने वाला हूँ, तो बस तुम ऊपर उस 1v4 को देखो। उसको देखने के बाद तो तुम लाइक करे बिना रह ही नहीं सकते। बस मैं इधर 5 हाउस के साइड आता हूँ और मुझे ऊपर से साउंड आता है। अब बारी आती है एक बार फिर से ग्रेनेड की और तुम्हें तो पता ही है कि नेट जाएगा तो बंदा तो नॉक होगा ही। अब एक और प्रीनेट की बारी और लकली इस नेट से भी एक और बंदा बूम होने वाला है। यहाँ पे मैं बैक टू बैक 3 बंदों को नॉक कर चुका था बट लास्ट वाला बंदा मुझे लग रहा था कि घर के पीछे है लेकिन वो कहीं और ही रहता है। वो रहता है सामने वाली बालकनी में। बट अब मैं उस बंदे को एक हेड मारने के बाद ओपन रस मार देता हूँ और यहाँ पे ये एक और शानदार सा 1v4 कंप्लीट हो जाता है। जस्ट मैं यहाँ पे सबको फिनिश करके अपने किल्स बटोर रहा था। बस थोड़ी बहुत लूट वगैरह करके जैसे आगे जाता हूँ तभी टीममेट के ऊपर कुछ बंदे होता है। अब इस मैच में भी पता नहीं कैसे बट मैं मर जाता हूँ। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ जल्द वापस। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।